जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है और जिस तरह की आप बात कहती हैं, तब मुझे संविधान की वो याद, वो लाइनें याद आती हैं कि हमारा संविधान कहता है कि एक महिला को अधिकार नहीं है कि कोई महिला किसी मस्जिद की मौलवी बन जाए, कोई महिला किसी मंदिर की पुजारी बन जाए, कोई महिला किसी चर्च की पादरी बन जाए, लेकिन हमारा संविधान एक महिला को अधिकार देता है कि एक महिला राष्ट्रपति बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है, सरपंच बन सकती है, सचिव बन सकती है। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हरदा उस पावन माटी से हम आते हैं जहाँ की फसल बहुत ही हरी भरी और रही रहती है। संविधान की रक्षा के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं और मैं आपको देखकर कहना चाहूंगा कि मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, डगर डगर उत्थान मिले, सूरज रोज समाये दिन को, रात मधुर सपने ले आए, हर पल समय दुलारे तुमको, सबको तक पहचान मिले, सभी तक पहचान मिले। एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि अब हम कार्यक्रम की उस कड़ी पर है जब हम हमारे स्पीकर्स के वाणी को उनसे हम मार्गदर्शित होंगे। मैं इसी कड़ी में सर्वप्रथम आदरणीय श्री प्रथम दीक्षित जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनके छोटे से जीवन परिचय के साथ उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा कि एक ऐसी शख्सियत जिनकी वाणी बहुत ही प्रखर है, जिनकी खासियत ये है कि आप जब कुछ कहते हैं तो दुनिया सुनती है। खासकर यूपी में आपका राजनीतिक व्यक्तित्व ऐसा है कि आप गड़बड़ी मचा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी की राजनीति में आपकी दखल और आपकी जवाबदारी दोनों समांतर चलती है। आप उन्नाव की पावन धारा से हमारे बीच आए हैं, पेशे से कर्णावर अधिवक्ता है, जैसा कि अभिनंदन जी ने बताया था आपके बारे में कि आप प्रोफेशनल कांग्रेस के भी सदस्य हैं, साथ ही सीबी में आपका ऑफिस है, आप सभी विषयों पर प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति है लेकिन आपका प्रतिमा अनेक है। कानूनी सेवा उद्योग में काम करने के प्रमाणित इतिहास के साथ अनुभवी सह संस्थापक मध्यस्था विधायक संबंध कानूनी लेखन कॉर्पोरेट कानून सलाह व्यवसाय विकास में कुशल बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी के साथ मजबूत उद्यमिता पेशेवर विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय से और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में आपने एडिशनल ग्रेजुएशन की डिग्री भी प्राप्त की है। आपको मैं मंच पर इन शब्दों के साथ बुलाता हूँ कि सारी गली अच्छी लगी, सारी गली अच्छी लगी, सारा शहर अच्छा लगा, आप जो आए शहर में हमारे सारा शहर अच्छा लगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ जी को आमंत्रित करना चाहूंगा।